देखो जी, नए घर में आ गए हैं, लेकिन सफाई दिखाते हो आपको, कितनी सफाई करनी पड़ेगी। हालत खराब कर रखी है कोरोना ने सबकी। तो इस घर में जो रहते थे ना, वो कोरोना के कारण बेचारे चले गए। जब लॉकडाउन लगा वो यहाँ से भाग गए। और देखो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। मतलब बैचलर रहते थे शायद कोई, तो उनका ना खाने पीने का सामान भी ऐसे पड़ा हुआ है नीचे। देखो बाहर से दिखाऊंगी ना तो शायद कोई यहाँ आने के लिए हाँ नहीं करता। बैक कैमरा ऑन करती हूँ फिर देखना। तो देखिए कितना गंदा हो रखा है यहाँ पर। ये कबूतरों ने यहाँ पे अपना घर बसा लिया था जैसे लॉकडाउन में वो लोग गए। उसके बाद में इसमें बहुत सारे कबूतर रहते हैं जो कि हमारे आने के बाद में चले गए। अभी तो नहीं है लेकिन हमारे आने से पहले रह रहे थे, जिनको हमने ही निकाला यहाँ से, हम लोग आए उसके बाद में। और कितना यहाँ पर गंद मचा के रखा है, देखो पंख बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। और यहाँ किचन में देखो, ये आटे का कट्टा जो है इसको चूहों ने कुतर दिया, और चारों तरफ आटा ही आटा, चींटियाँ ही चींटियाँ, छोटी जो होती है ना काटने वाली चींटियाँ, गंद जो रेड कलर की होती हैं वो वाली। और सामान भी इनका ऐसे ही बिखरा पड़ा था, जैसे लगा कि पता नहीं कितनी इमरजेंसी में ये लोग छोड़ के गए होंगे। और इस हाल को देख करके समझ में आया कि कोरोना कितना खतरनाक था सबके लिए, और किस तरीके से सब लोग अपना घर बार छोड़ के इधर उधर भटके हैं। तो हम हो जाते हैं सफाई में शुरू, और आज शिफ्ट करेंगे इधर। पहले सफाई कर लेते हैं, लंच ब्रेकफास्ट दोनों की छुट्टी, और बस सफाई कर लेते हैं ठीक है। तो चलिए मैं सफाई इधर की जो भी क्लीनिंग है वो करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको घर कैसा किया हमने। हेलो जी, जयराम जी की, कैसे हैं आप सब? और आज हम मिल रहे हैं बहुत दिन के बाद में। मैं हर बार बोल के जाती हूँ कि अब रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, हर बार फिर वही हाल होता है। आप समझ सकते हैं कि काम कितना बढ़ गया है, इतना काम बढ़ गया है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और बिजी भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। मतलब पूरे दिन फुर्सत ही नहीं मिलती है। आज बहुत दिनों के बाद में मैंने मतलब अपने आप को इस रूप में देखा है। मैं अपने से मतलब तैयार हुई हूँ। तैयार क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा बहुत जैसे सिंदूर लिपस्टिक क्रीम व्रीम कुछ, कम से कम भी 15-20 दिन के बाद, मतलब नेक्स्ट लास्ट टाइम व्लॉगिंग की थी ना तभी मैंने थोड़ा सा अपने आप अपना हुलिया सुधारा था, और एक आज ही सुधारा है। और आज शिवांश शोर नहीं, आज सैटरडे है, डेट 26 है शायद, 26 या 5, कन्फ्यूजन है मेरे को। तो ये डेट है और दोपहर के बज गए हैं 1:45, 1:40 हुई हैं। काम डेली मेरा 2:30 बजे फिनिश होता है, लेकिन आज मेरा काम 1:30 बजे फिनिश हो गया, 1 घंटे पहले। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूं, कैसे हो? और नैनी को ज़रूर बताना कैसे हैं आप सब। इसका दांत देखो सारे टूट गए, कैसे आए हो उल्टे, मतलब एकदम ऊबड़ खाबड़ आ गए। वाओ। और ये देखो शैतान, यहाँ देखो चोट के निशान सिर में इसके, ये पूरे दिन ऐसे काम करता रहता है कि इसके चोट ही लगती रहती है। और यहाँ देखो इन्होंने कैसे टॉय बिखेर रखे हैं सब जगह। और देखो मैं आपको क्या और दिखाऊं, हाँ बैठ जाओ एक बार। और हाँ आप देख रहे होंगे घर चेंज कर दिया हमने, मतलब मैंने बोला था ना आप लोगों को घर चेंज कर दिया है, और पहले भी क्लिप प्ले हुई है आपने देखी, अभी क्लिप प्ले हुई है। ये घर चेंज किया उस दिन की क्लिप है, उस दिन इतना ही सूट किया, उसके बाद में कुछ भी सूट नहीं किया। मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन फिर वो है ना उस दिन फिर लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कैंसिल भी किया, लेकिन फिर भी घर सेट करने में टाइम लगा और पूरा दिन लग गया। कैमरा भी नहीं उठाया, फ़ोन भी नहीं उठाया, बस थोड़ा थोड़ी सी देर कैप्चर किया, फिर साफ सफाई इतनी भयंकर वाली की कि दोबारा उठाने का टाइम ही नहीं मिला। और हाँ ये चैन भी मैंने आज ही डाली है तभी यहाँ अटकी हुई है, इतने दिन से कुछ नहीं, बस लोअर टी शर्ट और फटाफट काम में लग जाओ। और आज लंच जो था वो थोड़ा हल्का था, मतलब आज 16 ऑर्डर थे लंच में, ब्रेकफास्ट में हो चुका ब्रेकफास्ट भी, मैंने शुरू कर दिया। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ब्रेकफास्ट भी जाता है अपना, तो ब्रेकफास्ट लंच दोनों, लंच हल्का था ब्रेकफास्ट सही था। और यहाँ पर देखो इवनिंग में जो सब्जी बननी है ना वो आके थैलियों में रखे, इसके ऊपर सैनिटाइजर मार दिया,
अब इसको शाम को 3:30 बजे छेड़ा जाएगा, उससे पहले नहीं, 3:30 बजे इसको निकालूंगी और फिर इसको काट लेंगे और शाम की सब्जी की तैयारी शुरू हो जाएगी। और इसमें बची हुई है दिन की छोला इतना सा, जो सिर्फ हम लोगों का ही है, हम खाना खाएंगे, हमने खाना नहीं खाया है। और यहाँ ये टिफिन रखे हैं जो मैंने बताया ना, आज हल्का गया था लंच, तो ये इतने ही बचे हुए हैं, ये इतने रखे हैं। और सारी क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये लास्ट ऑर्डर कंप्लीट करके आए हैं अभी, हमारी भी क्लीनिंग हो चुकी है, ये भी नहा चुके हैं, अभी हैंड वॉश करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग खाना खाएंगे। और एक रूम ये है, इसमें किचन मैंने आपको दिखाई दी, एक रूम पीछे है, कभी टाइम मिलेगा तो हाउस टूर ज़रूर करवाऊंगी। और एक ये है जो कि पूरा खाली है, ये हमारा एक टाइप से वो होता है ना भंडार घर, भंडार घर रहेगा इसमें सारा सामान किचन का, जैसे उसमें रखा हुआ है सब, नीचे सारे में सब्जियाँ, ऊपर वाले में आटे वगैरह के कट्टे, और एक कट्टा तो पूरा कट्टों से भर गया, एक मैंने दे दिया कबाड़ी को, इसमें इसके अंदर पूरे आटे के कट्टे हैं खाली। और ये मंदिर भी लेके आए हैं जो कि अभी सेट नहीं हुआ है, कल ही आया है, अब इसको आज हम मार्केट जा रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं कि मुझे भगवान जी की मूर्ति लेके आनी है जो इसमें हम रखेंगे। बहुत दिन से फोटो ही थी, वो भी एक कैलेंडर के ऊपर, आप समझ सकते हैं वो कैलेंडर की फ़ोटो पे चिपका के हम पूजा कर रहे थे इतने दिन से। अब आज जाएंगे और मंदिर आ गया, अब वो भी आ जाएगी, क्योंकि जगह भी नहीं थी उस घर में मंदिर बनाने की, तो हमने दीवार पे ही एक कैलेंडर चिपका के उसकी वहीं पे एक कार्टून का बॉक्स रख के उसके ऊपर अगरबत्ती लगा के फिर पूजा करते थे। श्रद्धा होनी चाहिए ना, श्रद्धा होनी चाहिए, मंदिर तो धीरे धीरे आ जाता है। अब मंदिर भी आ गया, देखो भगवान जी को घर मिल गया, हमें भी घर मिल गया, भगवान जी को भी मिल गया। तो चलिए फिर हम खाना खा लेते हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है, ख़त्म होगा कि नहीं होगा कुछ आइडिया नहीं है, जैसा होगा आप लोगों के सामने आ जाएगा। चलो दीदी। और देखो बर्तन कैसे सेट किया हमने, जगह ही नहीं है, इतना सामान इतना है उसमें, सारे में ऊपर वाले में सारे मसाले हैं, नीचे वाले में मसाले हैं दोनों टोकरियों में, और बाकी ज़्यादा सामान में मतलब क्वांटिटी में जो आता है दाल चावल वगैरह आटा वगैरह वो उधर उस रूम में है। तो चलिए फिर, हो सकेगा तो मिलूंगी आपसे आज दोबारा, नहीं तो फिर ये व्लॉग यहीं एंड हो जाएगा, और आप लोगों को ये अपडेट देनी थी वो आप लोगों को मिल जाएगी। और चलिए फिर बाय। और हम मिल रहे हैं दोबारा से किचन में ही, और शाम के बज गए हैं 5:30, और काम मेरा ज़्यादातर फिनिश हो चुका है, रोटियां सेकनी है मतलब, अब मैं रोटियों में स्टार्ट हो जाऊंगी। और यहां पर ये जो क्लिप प्ले हो रही है ये थोड़ी देर बाद, मतलब जो पहले क्लिप हुई उसके बाद की क्लिप है, लेकिन मैंने पहले इसको सेट किया है। और यहां मैं दिखा रही हूं मेरा अंगूठा जो कि इतनी रोटियां सेकी पिछले 2 महीने में कि ऐसा कुछ हो चुका है चेंज उसमें, और इसमें दर्द भी है लेकिन अब जो है अब जाके सही हो रहा है, पहले तो काफ़ी ख़राब हो गया था हाल इसका, लेकिन अब काफ़ी ठीक है पहले से। और यहाँ पर देखिए कितने हाथ जला लिए मैंने इस काम में, तो मैंने सोचा मैं आज कैमरा उठा रखा था तो मैंने थोड़ा सूट भी कर लिया, मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। और ऐसा मतलब मेहनत करने की आदत नहीं हो और फिर अचानक से करनी पड़े, तो इस तरीके से बॉडी जो है वो हो जाती है। और आटे की परात हमेशा ऐसी नहीं रहती मेरी, ये जो है एक राउंड पूरा हो चुका था, 2nd राउंड का है, तो फास्ट जब आटा लगाते हैं फटाफट से 3 मिनट के अंदर तो ऐसे ही लगता है। मैं आपको दिखा रही हूँ देखो कितना आटा है ये, तो इस तरीके से 3 राउंड में जब आटा लगेगा तो ऐसा ही होगा ना। और 25 किलो आटा समझ लीजिए 2 दिन नहीं लगते ख़त्म होने में, फिर इतना आटे में तो परात जो है वो दोनों टाइम धुलती है फिर भी ऐसी हो जाती है। और यहाँ पर देखो ये अंगूठा किस तरीके से इसकी शेप ही चेंज हो गई है। तो जी शाम के बज गए 5:30 और दोबारा आ गई हूँ किचन में, मतलब आए हुए तो मेरे को 2 घंटे हो गए, 3 बजे आ गए थे, 2 घंटे ज़्यादा हो गए, 2.5 घंटे हो गए। और यहाँ पे देखो काम सारा फिनिश है, इसमें दाल बन चुकी है, इसमें सब्जी बन चुकी है जो कि काटने में भी बहुत देर लगी, वो शिमला मिर्च मैंने जो दिखाई थी ना आप लोगों को दिन में, तो उसी के कारण 3 बजे लगना पड़ा आज की उसको, इतनी सब्जी काटने में आलू और शिमला मिर्च को बहुत टाइम लगता है। और उससे पहले आज मैंने जाना मार्केट कैंसिल कर दिया, इसके पापा गए थे, बस मसाले वगैरह सब ले आए हैं जो कि उधर रखे हैं उस रूम में,
यहाँ पे तो बस मैं लाल मिर्च पाउडर लेके आई हूँ क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। और अब रोटी बनाऊँगी, पहले आटा लगाऊँगी। और आटा जो है वो 2 या 3 राउंड में लगता है क्योंकि पहले मैं 12 से 13 लोगों का लगा लूँगी, उनकी रोटियाँ सेकूँगी, फिर बीच में जैसे वो आटा ख़त्म होगा फिर आगे के जितने ऑर्डर होंगे उनकी रोटियों का आटा लगाऊँगी। ऐसे करके मुझे मतलब 3 राउंड तो हो ही जाते हैं पूरे। तो आटा लगाना बाकी है और चलते हैं अब इस रूम में। सामान एक बार ही दिखा देती हूँ आपको, थोड़ी सी मतलब 2 सेकंड लगेंगे बस। सामान लेके आए, ये इसी तरीके से रखा है अभी क्योंकि ना अरेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता और इस कमरे में लाइट भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये देखो इसमें टमाटर वगैरह, सारे टमाटर रख दिए, 5 किलो टमाटर लेके आए थे वो रखे हैं। इसमें जो कल सब्जी बनेगी वो रखी है, खोल के रखना है अभी। प्याज वगैरह इसमें है और फॉइल का सामान लेके आए थे, पैकिंग का। पैकिंग का भी दिखाते हैं आपको। तो ये सारा मटेरियल जो है पैकिंग खाना जो जाता है ना उसका है। एक मैंने फॉइल रैप भी मंगवाई थी। हाँ, आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूँगी, फॉइल मंगवानी है ना तो ये वाली मंगवाना, सबसे अच्छी सबसे बेस्ट है। वैसे इसका रेट 340 है मार्केट रेट तो, लेकिन ये अगर आप होलसेल की दुकान से ख़रीदेंगे तो आपको 200 रुपये में पड़ जाएगी 72 मीटर की, 72 मीटर की। एक मिनट रुको मैं निकाल लेती हूँ। हाँ, तो ये फॉइल है वो सुपर रैप की, मतलब ये देखो बिड़ला ग्रुप की है, 72 मीटर की। अगर होलसेल की दुकान से लेंगे तो आपको 200 में मिलेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ये वाली फॉइल ज़रूर लेना। मुझे नहीं पता था, पहले नैनी का टिफ़िन पैक होता था ना, तब मैं 100-150 की इतनी फॉइल लेके आती थी, वो मेरी चलती थी बहुत दिन, मतलब बहुत कम चलती थी। और ये वाली जो है ना ये आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए मैं अब आटा लगाऊंगी, फिर रोटियां सेकूंगी, फिर आप लोगों से बात करने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि रात के बज जाएंगे 11:30 सारा काम फिनिश होने में। और उसके बाद में बस और कुछ नहीं दिखता, मन करता है जाएं और जाके लेट जाएं, सो जाएं बस। और ये बैठे हुए हैं, जितने भी ऑर्डर आते हैं ना उनको वो डायरी में नोट करना, मतलब होता है फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं इस टाइम पे, उसको साथ साथ अपनी डायरी मेंटेन करते रहते हैं, मतलब डायरी में लिखते रहते हैं ताकि किसी का खाना छूट ना जाए, कोई ऐसा ना हो कि ध्यान से भटक जाए हम, हमारे मतलब दिमाग से उतर जाए और हम उसका खाना ना पहुंचा पाए। तो चल रहा है काम कुछ ऐसा ही, आप लोगों तक जो अपडेट थी वो मैंने दे दी है। और अब मैं मेरे काम में फिर से स्टार्ट हो जाती हूँ। ऐसा ही टाइम लग रहा है, जब तक मेरे को एक मेड अच्छी सी मेड नहीं मिल जाती, ढूँढ रहे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी परफेक्ट होनी चाहिए कुकिंग में, इस टाइप की मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा जमा जमा है काम, मैं नहीं चाहती डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जब तक वो नहीं मिल जाती जब तक मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा कुकिंग का काम, और बाकी हेल्पर जो है वो इसके पापा ही रहेंगे। और इसी तरीके से ये काम चलेगा जब तक, भगवान से दुआ करना आप लोग भी मुझे जल्दी से एक अच्छी सी हेल्पर मिल जाए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और एडजस्ट करना, आप लोग ऐसे ही आ रहे हैं, जैसे ही हेल्पर मिलेगी मैं कंटिन्यू अच्छे से ब्लॉगिंग जरूर करूँगी। बाय।